नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं बलिनो के बारे में। तो अगर आप भी बलिनो खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मारुति सुजुकी बलिनो जो है 2015 में पहली बार लॉन्च हुई थी, और उसके बाद जो है इस गाड़ी में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए। हालांकि एक फेसलिफ्ट वर्जन जो है बलिनो का लॉन्च हुआ था, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिले। माइनर बम्पर चेंजेस हमें देखने को मिले थे, लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ओवरऑल जो हेडलाइट्स है या फिर इंटीरियर है, वो सब सेम है। तो यह मैं आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी अपनी बलिनो में काफ़ी चेंजेस करने वाली है और न्यू जनरेशन बलिनो जो है वो लॉन्च करने वाली है। तो अगर ऐसे में आप करंट वर्जन ऑफ बलिनो, यानी कि जो अभी बलिनो का वर्जन जो है बिक रहा है, वो खरीद लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पछतावा करना पड़ सकता है, क्योंकि न्यू जनरेशन बलिनो जो है वो जल्दी लॉन्च होने वाली है, और ऐसे में अगर आप आज की बलिनो खरीद लेते हैं तो वो जल्दी ही आउटडेटेड हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि मारुति सुजुकी अपनी बलिनो में करने वाली है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बलिनो जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैक है, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस गाड़ी को पसंद करते हैं। इस गाड़ी का डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पिछले 6 साल से इस गाड़ी के डिज़ाइन में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया, जो कि अब मारुति सुजुकी जो है वो करने वाली है। तो इस गाड़ी में आपको ओवरऑल इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइंस को लेके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें एक्सटीरियर की, तो इस गाड़ी के एक्सटीरियर में काफ़ी जो है अपग्रेड्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें हेडलाइट्स जो है वो बिल्कुल नई देखने को मिलेंगी, बिल्कुल रीशेप्ड हेडलाइट देखने को मिलेंगी। इसके अलावा LED टेल लैम्प जो है वो भी बिल्कुल स्लीक हमें एक नए डिज़ाइन के साथ देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं बात करें हेडलैम्प सेटअप की, तो LED DRLs हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है स्लिमर होने वाली है। और वहीं बात करें रियर स्पॉइलर की, तो रियर स्पॉइलर भी इस गाड़ी में हमें पहले से बड़ा देखने को मिलने वाला है, और जो कि एक स्पोर्टी स्टांस लुक देगा इस गाड़ी को। और वहीं अगर हम बात करें ग्रिल की, तो इस गाड़ी में हमें कम्प्लीटली रिफ्रेश्ड न्यू ग्रिल देखने को मिलेगी। इसके अलावा फोग लैम्प का डिज़ाइन जो है बिल्कुल एक हटके होने वाला है, जिसमें LED यूनिट्स हमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा शीट मेटल की बात करें, तो शीट मेटल में हमें कुछ ट्वीक्स देखने को मिल सकते हैं इसके डिज़ाइन में, फ्रंट में और रियर में। और वहीं साइड की बात करें तो न्यू अलॉय व्हील्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। और ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है गाड़ी का, वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है अभी करंट गोइंग जनरेशन बलिनो से। चलिए बात कर लेते हैं इंटीरियर्स की, तो आपको बिल्कुल रिफ्रेश्ड नया डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा AC वेंट्स का डिज़ाइन जो है वो बदलने वाला है। वहीं बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको बड़ा साइज मिलेगा स्क्रीन का। और फीचर वाइज बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है, जो कि अगर हम अपर वेरियंट्स की बात करें तो आपको लेदर रैप देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, साथ ही हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है। तो ये थे इंटीरियर के चेंजेस। अगर हम बात करें मैकेनिकल चेंजेस की, तो आपको वही 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे खास बात मैं आपको बता दूँ कि उस इंजन को बेहतर तरीके से ट्यून किया गया है, जिससे आपको ज़्यादा माइलेज देखने को मिल सकती है। जैसे हमें डिज़ायर में 23+ KMPL की माइलेज देखने को मिलती है, ठीक वैसे हमें बलिनो में 23+ KMPL की माइलेज जो है देखने को मिलने वाली है, जो कि पहले वाली करंट गोइंग बलिनो से काफ़ी ज़्यादा है। करंट गोइंग बलिनो में हमें 21 KMPL की माइलेज मिलती है, नई जनरेशन बलिनो में हमें 23+ KMPL की माइलेज देखने को मिलने वाली है, जो कि कस्टमर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या आपको करंट गोइंग बलिनो जो है वो खरीद लेनी चाहिए, या फिर नई जनरेशन बलिनो जो कि जैन फेब 2022 में लॉन्च होने वाली है, उसका वेट करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेटली आपको जो है वेट करना चाहिए नई जनरेशन बलिनो का, अगर आपको बलिनो ही खरीदनी है तो, क्योंकि बलिनो नई जनरेशन बलिनो में आपको काफ़ी जो है चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। माइलेज से लेकर इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप आज की डेट में गाड़ी खरीद लेते हैं, तो आपकी गाड़ी जो है विद इन 6 मंथ जो है एक आउटडेटेड गाड़ी बन जाएगी, जिसके बाद आपको काफी पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी बलिनो की लेटेस्ट अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और बलिनो और ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।